हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 22-22 की एनर्जी है, सो यहाँ पे जो पावरफुल पोर्टल है 22-22 का पोर्टल है, इस पर कलेक्टिव लेवल पर आपके पार्टनर्स के इमोशंस पर क्या असर पड़ेगा, आपके इमोशंस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे इस पोर्टल की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्वेंटी टू पोर्टल की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ऊपर इस पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, गाइड करें एंजल्स। फाइव कार्ड्स, द चैरियट, फर्स्ट कार्ड कैंसर। इमोशंस पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि टू नंबर इमोशंस को दिखाता है, टू नंबर मून का नंबर है और कैंसर जो राशि है वो भी वाटर साइन है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतना ज़्यादा इमोशंस आएंगे आपके लिए कि ये आपको काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर बातचीत हो रही है तो। और अगर नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होने के चांसेस हैं। सेकंड कार्ड निकल कर आया है हर्मिट। काफ़ी लोगों की अवेकनिंग चल रही है, काफ़ी लोग काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे। थर्ड कार्ड एंजल्स, हैरोफेंट, टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड और, जजमेंट, वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड, ओके, मजिशियन, टावर की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल। डिसीजन मेकिंग मोड पे रहेंगे आपके पार्टनर, यहाँ जजमेंट की एनर्जी है और शुरुआत भी चैरियट से हुई है, तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है ये 22-22 का पोर्टल। यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं कैंसर, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस। सो यहाँ पर वाटर साइन बहुत उभर कर आ रही है। उसके अलावा मेजर अरकाना में ये साइन है, अभी माइनर अरकाना से सभी साइंस आएंगे, सो साइन पे नहीं जाना है आपको। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो डिसीजन की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग होंगी क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत लवी डवी एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है और काफ़ी सारे लोगों को अश्योरेंस मिल सकती है कि आपके साथ ही नई शुरुआत होगी, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। अगर इनके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थी या ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे या ये कंफ्यूज थे या इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इनके लिए रिश्ते देख रही थी या ये किसी सिचुएशन की वजह से आपसे मूव ऑन कर गए थे, तो इन्हें पछतावा होगा, रियलाइजेशन होगा, एक्सेप्ट करेंगे हर सिचुएशन को, अपनी गलतियों को, पास्ट का जो भी इनसे मिस्टेक हुआ है उसे रियलाइज़ कर अगर ये मूव ऑन कर चुके थे या अगर इनके लाइफ में कोई ऑप्शन आ गए थे तो वहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। तो जिनकी भी ऐसी सिचुएशन थी या है या चल रही है, उनके पार्टनर्स डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न आने वाले हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, इमोशनली बहुत अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा।
बिल्कुल अकेला फील करेंगे। जिन जिन पर इन्होंने भरोसा किया है सब ने इनका भरोसा तोड़ा है। इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। इन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही हैं जो इन्हें इस सिचुएशन में हील कर सकते हैं। किसी तरह के टावर मोमेंट से रिसेंटली गुजरे हैं आपके पार्टनर्स। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर इन्हें मिला है थर्ड पार्टी से, या कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा डार्क नाइट ऑफ द सोल इन्होंने फेस किया है जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है। बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। साथ ही आपकी भी एनर्जी मिल जाएगी तो बूस्ट करेंगे और असेंड करेंगे। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हैरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है करंट एनर्जी में? द सन, हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स, ओके समझ गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बता रहा है, मैं एक एक करके बताती हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं पहली सिचुएशन जिनकी शादी हो चुकी है। पहली सिचुएशन ये है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो, या हो सकता है कि आप में से कई लोगों की अरेंज्ड मैरिज हुई हो और आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो। यहाँ पर आप उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस ये चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव है। सबके लाइफ में थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि आप दोनों रीयूनाइट हों। लेकिन यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और आप में से ज़्यादातर लोगों का सेपरेशन एंड होगा। सक्सेस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो अगर ये नहीं मान रहे थे या नहीं मान रही थी आप लोगों का सेपरेशन था तो आपको इनकी तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। सेकंड सिचुएशन, अगर आप किसी और पर्सन के साथ मैरिड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या आप दोनों अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड हैं, या वो मैरिड हैं आप सिंगल हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो यहाँ पर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स न माने आपके लिए या उनकी फैमिली में थर्ड पार्टी न माने आपके लिए, जिसकी वजह से वो आपका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे या नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। तो अगर आप दोनों का लव प्योर है, अगर आप दोनों का लव बहुत ट्रू है, तो यहाँ पर वो एक्शन लेंगे आपके लिए। कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है क्योंकि इसके बाद जजमेंट की एनर्जी है। इवन लीगली भी अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं उस सिचुएशन से जिसकी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ उनके लिए है जिनके दोनों में बहुत प्यार है। ओके, तो ये सेकेंड सिचुएशन है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये सेकेंड सिचुएशन है। अब बढ़ते हैं थर्ड सिचुएशन की तरफ। तो थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आप दोनों सिंगल हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप दोनों में कास्ट डिफरेंस है या एज डिफरेंस है या किसी एक का कोई पास्ट है, तो यहाँ पर पेरेंट्स से किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अगर आप दोनों में लव बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर हो सकता है, इंस्टेंट डिसीजन हो सकता है। देन वी हैव जजमेंट। क्यों आया है जजमेंट? फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके साथ बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है, अगर आपको खोना नहीं चाहते, बहुत समय से आप दोनों का रिलेशनशिप है, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या ब्रेकअप हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई बर्डन है, तो ये कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले और इन्हें भी क्लैरिटी मिले। ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते, ये जान चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत वैल्यू करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी आपके लाइफ में और आपकी इनके लाइफ में, तो ये अब कोई बड़ा एक्शन इस सिचुएशन में लेना चाह रहे हैं। मजिशियन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्या सोच रहे हैं? हैरोफेंट, टू ऑफ कप्स, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ख़त्म करना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस, ये मजिशियन की एनर्जी को सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद टू ऑफ वांड्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में।
ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैं, किसी भी थर्ड पार्टी में हैं, तो ये एंड करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को, ताकि आपके साथ रीयूनियन हो सके। रीयूनियन की एनर्जी है। और उसके बाद लास्ट कार्ड है द फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेक्स है इस लव स्टोरी का। सो पॉजिटिव रहिए गाइस। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसिव रीयूनियंस होने वाले हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, क्या बातचीत होगी, मैसेज आएगा। पैशन की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, एंजल्स कह रहे हैं बिल्कुल। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे इस वक्त काम चल रहा है, सॉरी थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा। लाइट, सैक्रिफाइस, मैसेज का कार्ड तो ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल एट की एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों को विद इन एट आवर्स, विद इन एट मिनट्स या विद इन एट डेज मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव होंगे। लगातार दो तीन दिन से मैसेज की एनर्जी आ रही है और आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिसीव भी हो रहे हैं। सो बेस्ट विशेस कि जिन्हें नहीं रिसीव हुए हैं उन्हें भी बहुत जल्द रिसीव हों। आपके पार्टनर्स का थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है और थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है। सो थ्रोट चक्रा पे काम अगर हो रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कलेक्टिव लेवल पे, तो आपको भी इसकी एनर्जी फील होगी। आपको खरास लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके थ्रोट में बिना किसी इन्फेक्शन के भी कोई खरास है, या हल्की फुल्की आपको सूखी खांसी आ रही है, या आपको कफ जैसा लग सकता है, या आपको एक अलग ही ऐसा लगेगा बोलने में आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, या टॉन्सिल की एनर्जी फील हो सकती है। सो इनके ऊपर वर्क चल रहा है, तो थोड़ा ही एनर्जी आप भी फील कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जी है, इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनको पता चल रहा है कि क्या चीज़ से निकलना है, किसे चूज़ करना है, किसे छोड़ना है, क्या मेरे लिए सही है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है, मैं किस कनेक्शन में हूँ, या मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये गेन कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे एक्शन लेने में, कमिटमेंट देने में, स्टैंड लेने में, तो इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मीन्स कि इनको भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिनको भी आप पूछते हैं, जिनसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ताकत दी जा रही है कि ये आपके लिए स्टैंड लें, आपके साथ आगे बढ़ें। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को ये सैक्रिफाइस भी करेंगे, जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उनसे ये निकलेंगे। कुछ इनके लाइफ में इमोशनल ड्रामा भी क्रिएट हो सकता है, और मैंने क्राउन चक्रा बोला था तो क्राउन चक्रा भी ले लेते हैं। यहाँ पर क्राउन चक्रा की भी एनर्जी है, इनके क्राउन चक्रा पे भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। अगर आपके माइग्रेन हो रहा है, या आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, रात रात भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, पूरी पूरी रात आप सो नहीं पा रहे हैं, या तो सो रहे हैं तो सिर्फ ड्रीम्स ही आ रहे हैं, और सुबह उठ रहे हैं तो थका हुआ फील हो रहा है, या बहुत जल्द नींद आ जा रही है, या आपको क्राउन पे ऐसा लग रहा है आपके हेड पे कुछ चल रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, इस तरह की अगर एनर्जी आपको फील हो रही है, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर की क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रही है। सो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को ही क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों उसे पार करके बढ़ेंगे आपकी तरफ। चैरियट की एनर्जी है, क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में। न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है? न्यू बिगनिंग को न्यू बिगनिंग ने क्लैरिफाई किया है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, स्टेबल कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलेगी। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मैसेज का कार्ड क्यों आया है? क्या रिसीव होंगे मैसेजेस? यस, सक्सेस की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, मदर गाया की एनर्जी है। जो भी
सिचुएशंस की वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, भाग रहे थे, छुप रहे थे, हाइड कर रहे थे या बहुत स्ट्रेस में थे, अवेयर हो रहे हैं, सब कुछ इन्हें क्लियर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है, तो मैसिव रीयूनियंस यहाँ पे होंगे, सक्सेस मिलेगी आप में से काफ़ी सारे लोगों को। सो यहाँ पे मदर गाया की एनर्जी आई है मैसेज के लिए, तो मदर गाया की वजह से आपके लाइफ में सेपरेशन अगर हुआ है तो मदर गाया की वजह से ही रीयूनियन भी होगा। जो होता है वो डेस्टाइंड होता है, सब कुछ अपने समय से होगा और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। यहाँ पर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर। सो आपको 8 आवर्स 8 मिनट्स या मैक्सिमम 8 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो सोने के पहले उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि एंजल्स इसका जवाब दें मुझे। तो आपको ड्रीम्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी साइंस के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी। अगर बातचीत हो रही है तो बहुत ध्यान दें, और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्द होने वाली है, कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी है। देन वी हैव नो नीड टू वरी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट, मेडिटेशन ब्रिंग यू आंसर, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। मेडिटेशन से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं अगर आप कर रहे हैं तो, और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप, अगर आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं या आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो भी आप ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए। सिर्फ आपके लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।